वंस अगेन वेलकम टू सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, वो बारकोड का जो हमने वीडियो कल आपको दिया था, वो कुछ कस्टमर्स को काफ़ी पसंद आया और उनकी ये रिक्वायरमेंट थी कि सर, गारमेंट्स मॉड्यूल के लिए अगर आप बारकोड है आपके पास तो उसका एक वीडियो आप हमें बना के भेजिए और एक डेमो भी दीजिए। तो सर, मैं आज एक आपके गारमेंट्स मॉड्यूल के लिए, फ्रेंड्स, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एक डेमो वीडियो आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हम टैली को यूज करके, देखिए टैली में बारकोडिंग काफी इजी और सिंपल है, ठीक है। जो मॉड्यूल हम लोगों ने बनाया है काफी इजी है, इजी टू यूज है, सिंपल बिलिंग है, आपको खाली स्कैन करना है, स्कैन करके डायरेक्टली आपको वहां पर बिलिंग हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा। तो आइए सबसे पहले देखिए, मैंने टीडीएल लोड कर दिया है। टीडीएल लोड करने के बाद फ्रेंड, जैसे ही आप टीडीएल को लोड करेंगे, लोड करने के बाद देखिए कुछ ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। एक हमने गेटवे ऑफ टैली में आपका ऑप्शन दिया है, अगर आपको दिख रहा होगा पीओएस सेल रिटर्न, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए मार्केट में क्या होता है, सामान तो सेल हो जाता है पर कुछ सामान रिटर्न भी आता है, तो रिटर्न को कैसे नोट करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और कुछ हमने इसमें कस्टमाइज किया है, रिपोर्टिंग्स की बात मैं यहाँ पर करूंगा। तो देखिए यहाँ पर बारकोड्स की रिपोर्ट, ऑल स्टॉक रिपोर्ट, जितना भी आपके पास बारकोड का स्टॉक है वो आपको मिल जाएगा। डेली सेल रिपोर्ट, आपकी डेली सेल कितनी हुई है वो आप यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स। सेल पर्सन की रिपोर्ट, एक सेल पर्सन ने, सपोज कीजिए आपके स्टोर पर 10 सेल पर्सन है, 10 में 10 की सेल कितनी कितनी है, तो सेल पर्सन आपको कैलकुलेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जब भी आप बिलिंग करेंगे वहां पे आप सेलेक्ट करेंगे और सेल पर्सन की रिपोर्ट भी आपको यहां पर मिल जाएगी। बिल वाइज सेल पर्सन, सपोज कीजिए अब मैं बिल वाइज सेल पर्सन चाहता हूँ कि भैया जो मेरा 100 नंबर का बिल है वो किस सेल पर्सन ने सेल आउट किया, तो उसकी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, एक और ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है ऑफर एसएमएस का। ऑफर मैसेज में क्या है, जैसे ही आप अगर किसी अपने कस्टमर्स को मैसेज भेजना चाहते हैं, सपोज कीजिए दिवाली का या कोई डिस्काउंट का, आपने देखा होगा डिजिटल मार्केटिंग आजकल कितना वर्क कर रहा है, तो अगर आप अपने कस्टमर्स को एसएमएस भेजना चाहते हैं, सेल के टाइम पर भेजना चाहते हैं, जैसे ही सपोज कीजिए कोई कस्टमर आपके पास आया, उसने कुछ सामान लिया, तो आप उसको मैसेज भेजना चाहते हैं सेल के टाइम पर, तो वो उसको एक एसएमएस चले जाएगा आपकी शॉप के नाम से, ठीक है। एक मार्केटिंग का एक टूल है ये भी। दूसरा क्या है, सपोज कीजिए कोई फेस्टिवल आ रहा है या कोई डिस्काउंट अगर आप देना चाहते हैं, तो जितने भी कस्टमर आपके पास रजिस्टर्ड हैं उनके मोबाइल नंबर अगर आपने रजिस्टर्ड किए हैं तो वन टाइम में ही आप उनको ऑफर मैसेज भेज सकते हैं। देखिए यहाँ से अगर मैं भेजना चाहूँ, जैसे देखिए मैंने क्या क्या अहमदाबाद, बेंगलोर, यहाँ पर कुछ कस्टमर्स बनाए हैं अलग अलग एरिया के, उनको मैं अगर एक साथ मैसेज भेजना चाहूँ तो सबको क्या कर सकता हूँ, सबको एसएमएस भेजना चाहता हूँ, या फिर मैं क्या करूंगा सन्ड्री डेटर्स अपने ले लूंगा, डेटर्स ले लूंगा यहाँ पर फ्रेंड्स, डेटर्स लिए, जितने भी डेटर्स हैं मेरे, सपोज कीजिए 1000 डेटर्स हैं, तो 1000 डेटर्स को एक सिंगल क्लिक में एसएमएस चले जाएगा, चाहे आप डिस्काउंट का एसएमएस देना चाहते हो या फिर कोई दूसरा अगर कोई एसएमएस देना चाहते हो तो वो भी आपके चले जाएगा, कोई ऑफर मैसेज अगर देना चाहते हो तो इस तरीके से। आइए फ्रेंड, देखते हैं किस तरीके से बारकोडिंग कर सकते हैं, किस कितना ईजी है मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अभी देखिए बिजनेस सिनेरियो की बात करते हैं, तो बिजनेस सिनेरियो में क्या होता है, सबसे पहले मेरे पास बिल आता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सॉफ्टवेयर में बिल को एंट्री करता हूँ, तो बिल एंट्री करने के लिए मैं अकाउंटिंग वाउचर में जाता हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने F9 प्रेस कर लिया परचेज के लिए, सपोज कीजिए बिल आया है मेरे पास 101, ठीक है, 15 फरवरी मैंने ले लिया इसको, मैं आज की तारीख में ले लेता हूँ, आज है तारीख आपकी 21/04/2020, अच्छा मेरा जो करंट पीरियड चल रहा है वो 19/20 चल रहा है, चलिए 15 फरवरी को ही ले लेता हूँ, कोई बात नहीं। इसमें मैं पार्टी यहाँ पर ले लेता हूँ, पार्टी सेलेक्ट कर लेता हूँ, किस पार्टी को मैं यहाँ पर बिलिंग कर रहा हूँ, आपको मैं बारकोड दिखाऊंगा किस तरीके से आप बारकोड क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने पार्टी यहाँ पर सर्च की कि AR एंटरप्राइजेस, ठीक है, आंध्र प्रदेश की ये पार्टी है, परचेज मैंने ले लिया। और देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स, मैंने आपको आज गारमेंट्स मॉड्यूल बताया है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, बाबा सूट्स मैंने यहाँ पर ले लिए। अभी देखिए यहाँ पर मैं डालूंगा कि लिस्ट ऑफ ब्रांड, जो बाबा सूट्स हैं किस कंपनी के हैं, कंपनी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्रिएट कर, काफी सारी कंपनीज मैंने यहाँ पर क्रिएट करी है, काफी सारे ब्रांड्स मैंने यहाँ पर क्रिएट किए हैं। अगर कोई नया ब्रांड आप यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं तो ऑल्ट सी से आप इजिली कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर स्पेस बार, यहाँ पर मैंने इसको लिया है कि ये किस ब्रांड का है, फेबल का है। कलर मैंने बताया कि कलर ब्लैक कलर का है, अगर कलर नहीं है तो वहां पर आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। एमआरपी मैंने इसका डाल दिया है कि जो इसका एमआरपी है वो कितना है, एमआरपी मैं छोड़ दीजिए, यहाँ पर देखिए एमआरपी है और सेलिंग प्राइस आ रहा है, तो सेलिंग प्राइस हमने होलसेल प्राइस के लिए दिया है। अगर कोई होलसेल डीलर है तो वो क्या कर सकता है, वहां पर होलसेल प्राइस दे सकता है। तो होलसेल प्राइस मैंने इसका डाल दिया है यहाँ पर फ्रेंड्स, होलसेल प्राइस डाल दिया 550, ठीक है। एमआरपी मैंने इसका 1200 रुपये डाल दिया। क्वांटिटी फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 10 क्वांटिटी परचेज करी है, ठीक है। एंटर एंटर
एंटर। इसी तरीके से देखिए मैं यहाँ पर टैक्सेस ले लूंगा, आईजीएसटी मैं यहाँ पर ले लूंगा, आईजीएसटी मेरा कैलकुलेट हो गया। अभी देखिए फ्रेंड्स मेरे यहाँ पर क्या किया, डिटेल फिट कर दिया। ये डिटेल क्या है, नॉर्मली भी आप फिट करते हैं। अभी देखिए मैं यहाँ पर शॉर्टकट की प्रेस करूंगा बारकोड के लिए। मैंने यहाँ पर Alt F1 प्रेस किया है, यहाँ पर हमने शॉर्टकट की दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेरे से पूछेगा कि जो बारकोड निकालना चाहते हो आप, लेबल निकालना चाहते हो, वो सभी के लिए निकालना चाहते हो या सिंगल उसके लिए। तो मैंने बताया ऑल आइटम्स के लिए। प्रिंटर सेटअप यस, प्रीव्यू मेरे को देखना है। कंपनी का नेम, अगर आप अपनी कंपनी का नेम भी बारकोड में प्रिंट करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है। आइटम का नेम यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लेबल टाइप में हमने क्या किया, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और आपका यहाँ पर नोवाजेट। नो अगर आप यहाँ पर सिंगल, देखिए अगर आपका बारकोड जो लेबल प्रिंटर है वो अगर छोटा है, 1x1 में निकालता है, तो 1x1 में आप ले लेंगे। पर यहाँ मोस्टली गारमेंट्स में क्या होता है फ्रेंड्स कि गारमेंट्स में हम क्या करते हैं, बल्क में परचेज करते हैं। बल्क में परचेज करते हैं तो वहां पर क्या होगा, आपको जो लेना पड़ेगा A4 सीट वहां पर ज्यादा काम आती है, क्योंकि हमको क्या देखनी पड़ती है, कॉस्ट कटिंग भी कस्टमर की देखनी पड़ती है। अगर वो क्या करेगा, 1x1 लेगा तो काफी टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पर नोवाजेट का ऑप्शन भी दिया है। नोवाजेट आपकी A4 सीट आती है, तो यहाँ पर मैं नोवाजेट ले लूंगा, एंटर करूंगा कि मैं लेबल कब से जाता हूं। तो मैंने यहाँ पर बताया सॉफ्टवेयर को कि लेबल पहले, फर्स्ट लेबल से मैं यहाँ पर स्टार्ट करने जाता हूँ, स्टार्टिंग से। अभी देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं क्या करूंगा, प्रीव्यू आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, बाबा सूट्स मैंने यहाँ पर लिया था। बारकोड नंबर देखिए आपको दिख रहा होगा, तो बारकोड नंबर आ गया, बारकोड नंबर ये आ गया, फैब्रिक का फेबल या ब्रांड आ गया है, कौन से ब्रांड का है, होलसेल प्राइस आ गया फ्रेंड्स। होलसेल प्राइस मैंने क्या किया, 550 रुपये यहाँ पर डाला हुआ है होलसेल प्राइस। अगर आप MRP भी प्रिंट करना चाहते हैं तो MRP भी प्रिंट आ जाएगा, MRP अभी हमने यहाँ पर नो किया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। ये मैंने क्या किया, ये बारकोड मैं एंटर करूंगा, इसको एक्सेप्ट करूंगा और बारकोड भी यहाँ से मैं, ये देखिए बारकोड मेरा लोड हो रहा है। ये मेरा जैसे ही परचेज का इनवॉइस बनेगा, मेरे सारे बारकोड्स फ्रेंड्स यहाँ पर बन गए। अभी आपको क्या करना है, जितना भी स्टॉक आपने लिया है उस पर आपको ये लेबल चिपका देना है, ठीक है, वहां पर पेस्ट कर देना है। अभी देखिए मैं क्या करूंगा, अभी मैं जाऊंगा सेल पर। अभी मैंने बारकोड्स तो बना दिए हैं, अभी मैं सेल पर, सेल के लिए मैं F8, तो हम यहाँ पर POS से सेल दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे ही मैं बारकोड से गन उसको बारकोड जैसे ही बारकोड गन से वहां पर मैं स्कैन करूंगा, स्कैन करने के बाद देखिए ये ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर। जैसे मैं इसको सपोज कीजिए, मैंने अभी देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया था, एक स्टॉक आइटम बनाया था, यहाँ पर काफी सारे मेरे पुराने भी पड़े हैं, तो मैंने सपोज कीजिए मैंने इसको स्कैन किया, तो देखिए जैसे मैं स्कैन करूंगा ऑटोमेटिकली उसका MRP क्वांटिटी और रेट उसका ऑटोमेटिकली आ जाएगा, टैक्स और राउंड ऑफ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अगर आप इसमें कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं तो डिस्काउंट दे सकते हैं, नहीं देना चाहते हैं तो एंटर करके आप इसे एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ डिटेल्स आ रही है कि मैं यहाँ पर क्या क्या देना चाहता हूँ, कार्ड नंबर, गिफ्ट नंबर, वो ऑलरेडी ऑप्शंस आ जाएंगे, वो मैंने क्लोज किए हैं अभी। यहाँ पर मैंने बताया कि कस्टमर ने 1000 रुपये दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए लिस्ट ऑफ सेल पर्सन, अभी फ्रेंड्स यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सेल पर्सन भी सिलेक्ट करूंगा कि किस सेल पर्सन ने, तो मैंने यहाँ पर डाला कि कृष्णा ने सेल किया है। एंटर करके देखिए ये सेल का बिल मेरा, अगर मैं यहाँ पर डालूंगा एंटर करूंगा तो ये देखिए ये थर्मल प्रिंटर पर फ्रेंड्स मेरा, जैसे आपने देखा होगा कि थर्मल प्रिंटर पर ये मेरा प्रिंट होकर आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं A4 और A5 में प्रिंट होकर आए तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, मेरी कंपनी का नाम आ रहा है, GST नंबर आ रहा है, नीचे बिल की डिटेल आ रही है, ठीक है, कुछ टर्म एंड कंडीशन आ रही है, तो ये आपने देखी होंगी। तो इस तरीके से देखिए कितने सिंपल इजी तरीके से, अभी देखिए कोई भी सेल्समैन आपके पास है, सेल्समैन को क्या करना है, खाली बारकोड से स्कैन करना है। बारकोड गन से वो क्या करेगा, लेबल को स्कैन करेगा और ऑटोमेटिकली रेट और क्वांटिटी ऑटोमेटिकली वहां पर फीड हो जाएगी, उसको कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। खाली उसको डालना है कि कस्टमर का, अगर वो नेम डालना चाहता है कस्टमर का नेम भी नीचे, अगर यहाँ पर क्या होगा, नीचे एक ऑप्शन आपको और मिल जाएगा कस्टमर का नेम और उसका मोबाइल नंबर का, तो क्या होगा जैसी सेल होगी तो उसके पास मैसेज भी एक चले जाएगा, वो भी हमने अभी बंद किया हुआ है, ठीक है फ्रेंड। तो ये था बारकोड मॉड्यूल किस तरीके से। अभी सपोज कीजिए जो कस्टमर है उसने क्या किया, कुछ सामान रिटर्न किया है, ये वाला ऑप्शन भी आपको दिखा देता हूँ। रिटर्न करने के लिए फ्रेंड देखिए POS सेल रिटर्न में मैं गया हूँ, रिटर्न के लिए अभी मैं 15 फरवरी का ही ले लेता हूँ, 15 फरवरी का ही है, ठीक है। 15 फरवरी का मैं सिलेक्ट करूंगा कि किस डेट को कस्टमर का सामान वो वापस लेके आया, तो मैंने यहाँ पर प्रिंट किया, एक्सेप्ट किया है। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स मेरे को कुछ भी एंट्री करने की जरूरत नहीं है, मेरे को यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो POS का वहाँ पर ये इनवॉइस आ गया है कि ये सामान कस्टमर रिटर्न लेके आया है। मैं देखिए इसमें क्या करूंगा, इसको मैं एंटर कर यहाँ पर एक्सेप्ट कर दूंगा। तो एक्सेप्ट करने के बाद ही क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो मेरा रिटर्न भी हो जाएगा। अगर सपोज कीजिए कोई कस्टमर रिटर्न लेके आता तो रिटर्न भी हो जाएगा। फ्रेंड्स रिपोर्टिंग की बात यहाँ पर कर लेते हैं। रिपोर्टिंग में देखिए बारकोड्स अदर रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा। ऑल स्टॉक रिपोर्ट में जैसे ही एंटर करूंगा तो देखिए यहाँ पर जितने भी मेरे बारकोड्स के वो हैं स्टॉक हैं वो मेरे को यहाँ पर मिल जाएंगे, कौन से ब्रांड के हैं।
राइट हैंड साइड में देखिए कुछ सर्च की हमने दिए हैं कि आइटम वाइज आप सर्च करना चाहते हैं, तो बाबा सूट में देखना चाहता हूँ तो बाबा सूट में एंटर करूंगा तो बाबा सूट के सारे ओपन हो जाएंगे। ब्रांड वाइज अगर आप सर्च करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो ब्रांड वाइज भी आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं ब्रांड वाइज ये सर्च कर लेता हूँ तो इसका कोई भी स्टॉक आइटम मेरे पास नहीं है। साइज वाइज अगर आप सर्च करना चाहते हैं, ठीक है, कलर वाइज सर्च करना चाहते हैं, कलर वाइज का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। पार्टी वाइज सर्च करना चाहते हैं जिससे आप खरीदते हैं, तो पार्टी वाइज आपके पास डिटेल आ जाएगी। ठीक है, बैच नंबर वाइज दिया गया है, बैक डेटेड वाइज दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर सर्चिंग के ऑप्शन दिए गए हैं। डेली सेल रिपोर्ट में मेरे पास डेली की सेल रिपोर्ट आ जाएगी कि आज की मेरी सेल कितनी है, तो आपको वो भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। तो देखो आज की सेल मेरी यहाँ पर दिखा रहा है कि मैंने 3 क्वांटिटी सेल करी है, जो टोटल वैल्यू दिखा रहा है 3000 रुपये की मैंने आज सेल करी है। ठीक है, अभी मैं अगर सेल्समैन की रिपोर्ट देखना चाहता हूँ फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ओनर क्या करते हैं, सेल्समैन की रिपोर्ट देखना चाहते हैं कि सेलमैन ने आज कितना काम किया है। तो देखिए यहाँ पर मेरा दिखा रहा है सेल्समैन कृष्णा ने आज 2 पीसेस यहाँ पर सेल किए हैं। पर्टिकुलर अगर मैं यहाँ पर सेल्समैन की रिपोर्ट देखना चाहता हूँ तो राइट हैंड साइड में देखिए बटन दिया गया है सेल पर्सन रिपोर्ट। मैं कृष्णा की देखना चाहता हूँ तो ये देखिए कृष्णा की मैं देख सकता हूँ। ठीक है, बिल वाइज सेल पर्सन रिपोर्ट में देखना चाहता हूँ तो बिल वाइज में देख सकता हूँ कि कृष्णा ने कौन कौन से बिल पर आज सेल, कौन कौन से बिल हैं जो कृष्णा ने सेल आउट किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बिल नंबर वाइज भी मैं देख सकता हूँ। ऑफर मैसेज मैंने आपको बताया था कि आप जितने भी कस्टमर्स हैं उनको ऑफर मैसेज आप भेज सकते हैं। वैसे तो सेल के टाइम पर अगर आप चाहेंगे तो सेल के टाइम पर भी चले जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था बारकोड मॉड्यूल इन गारमेंट्स में, कपड़ों के काम में आप किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। इसमें कुछ चेंजेस हमने अपने कस्टमर्स के लिए और भी करवाए हैं, जैसे साड़ीज वगैरह के लिए, साड़ीज के जो मर्चेंट हैं उनके लिए कुछ चेंजेस करवाए हैं। आई होप ये आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स मॉड्यूल। कस्टमर की डिमांड थी कि गारमेंट मॉड्यूल पर आप एक वीडियो हमें बना के सेंड कीजिए, डेमो दीजिए, तो मैंने उनके लिए तो बनाना ही था, तो मैंने बोला आपको भी मैं इसको पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो आपको अगर ये अच्छा लगा तो डेमो के लिए आप हमको कॉल कर सकते हैं। आप हमारी स्क्रीन पर आपका हमारा नंबर आ ही रहा है आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, ओके, थैंक यू।